हाय दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी चने दाल नैनो एक सब्जी, वो भी बिना लहसुन प्याज के। इसके लिए सबसे पहले हम एक कप बड़े कप से एक कप चने की दाल लेते हैं। इसे साफ से धो के हम भिंगा देते हैं। हमने जीरा ले लिया 1 चम्मच, 2 चम्मच हमने धनिया ले लिया, थोड़ा सी काली मिर्च ले लिया है, 1 चम्मच सौंफ ले लिया। इन सबको बारीक पीस लेते हैं। अब तेल में हम थोड़े मेथी के दाने, 2 तेज़पत्ता डाल देते हैं। आप चाहे तो पीसे हुए मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मसालों को हम तेल में डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा हमने लाल मिर्च डाल दिया है। मिर्च स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने प्याज और लहसुन नहीं डाला है। मसालों को चला के अच्छे से हम भूननी है। मसाले अच्छे से दम भुन गए। अब इसमें चने की दाल को हम डाल देते हैं। इसे भी हम भून लेते हैं। गैस को हमने हाई फ्लेम पर रखा है। अब दाल को हम अच्छे से भून लेते हैं हाई फ्लेम पर कर करके। दाल अच्छे से भुन गई। अब कुकर में इसको ऐड कर लेते हैं। सारी दाल को कुकर में हम निकाल देते हैं। अब थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से चला के इसे भी पानी को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अब गैस पे इस पर रख देते हैं। अब इसको अच्छे से हम चला देते हैं। इसमें हमने बड़े कप से 2 कप पानी डाल दिया है। अब कुकर में हम 2 सीटी लगा देते हैं। जब तो हम नैनियों को छील के मोटे मोटे पीस में कट कर लेते हैं। धनिया को भी हमने बारीक कट कर लिया है। 2 टमाटर लिया, इसे भी हमने कट कर लिया है। वो अब गैस को हम बंद कर दिए हैं। कुकर के ढक्कन को हमने ओपन कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल हल्का सा दम गल गया है। अब इसमें टमाटर डाल के इसको अच्छे से चला देते हैं। अब इसमें हम नेनुआ डाल देते हैं, तो चला देते हैं। चलाने के बाद इसमें नमक डाल देते हैं। नमक हम शायद भूल गए थे। अब इसमें हम सीटी लगा देते हैं। हमने इसमें 2 सीटी लगाए और गैस को हम मीडियम कर देते हैं, सब्जी जले नहीं। अब इसमें हम 2 सीटी लगा दिया। अब ढक्कन को खोल देते हैं। इसे अच्छे से हम मिला देते हैं। अब इसमें हरी मिर्च और हरी धनिया हमने ऐड कर लिया है। इसे भी अच्छे से हम मिला देते हैं। चावल से और पराठे बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। चना दाल और नैनुए की सब्ज़ी घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय दोस्तों।